Good morning, students. I am Nidhi Sharma, your biology teacher. We are going to start unit 1 of class 11th biology. The name of the unit is diversity in the living bird. Diversity meaning different forms. The meaning of diversity is different forms of life around us. That is our diversity in the living bird. This unit mein char chapter hain, chapter 1, 2, 3 and 4. That is the first chapter is living word. We are going to start from this chapter, the living word. First of all, let's discuss about the definition or some basic concept of biology. So biology is the basically the study of all life of forms, all life forms around us. Jitni bhi tarah ki life hamare charo aur hai, jitni bhi tarah ki living organism hamare charo aur hai, unki study ko biology kehte hain. So we can say that the study of all type of living organism present around us, that comes under the biology. So biology is the branch of science which deal with the study of all living organism present around us. This is the definition of biology. Biology mein aage phir different branches ban jati hain. Jaise two main branches hain, botany and second is the geology. Botany is the branch of science which deal with the study of the plants only. And geology is the branch of science which deal with the study of the animals only. Next है आपको एक one mark का question आ जाता है, who is the father of botany? Father उसको कहा जाता है जिसने बहुत सारी researches या बहुत सारा जो काम है research या new discoveries वो उस branch में या उस field में की होती हैं, जैसे Theophrastus. इस साइंटिस्ट ने बॉटनी में बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, बॉटनी की ब्रांच में या बॉटनी की फील्ड में, और बहुत सारे न्यू कंसेप्ट भी हमें बताए हैं. दैट्स व्हाई थियोफ्रास्टस इज नोन एज अ फादर ऑफ बॉटनी. एंड एरिस्टोटल इज नोन एज अ फादर ऑफ जियोलॉजी, क्योंकि जियोलॉजी या एनिमल्स के बारे में जो बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स के बारे में हमें बताया गया, वो एरिस्टोटल ने बेसिक चीज़ें सबसे पहले हमें बताई थी. सो दैट्स वाई एरिस्टोटल इज नोन एज अ फादर ऑफ जियोलॉजी. नेक्स्ट चैप्टर वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर वन में फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज, इसमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिक एड. सो इन चार टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में. सबसे पहले है कि व्हाट इज लिविंग. आप अपने चारों ओर हज़ारों लिविंग चीज़ें देखते हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इसके अलावा नेचर है, हमारे प्लांट्स हैं हमारे चारों ओर, ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग. दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लिविंग चीज़ें कौन सी हैं और नॉन लिविंग कौन सी है. तो छोटी क्लासेस में आप तो जनरल करेक्टरिस्टिक आपने लिविंग और नॉन लिविंग के पढ़े होंगे. जो चल फिर जो सांस लेता है वो लिविंग है, जो सांस नहीं लेता वो नॉन लिविंग है, ये कुछ बेसिक करेक्टर है. लेकिन आप इस चैप्टर में कुछ डिटेल्ड करैक्टर पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ नए करैक्टर पता चलेंगे आपको जो आपने पिछले क्लासेस में नहीं पढ़े होंगे. जैसे मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी इसके बारे में, आपने कुछ एक बच्चों ने मुझे होमवर्क भी अपना सेंड किया था, अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ट्राई टू राइट इन द शॉर्ट फॉर्म. दो या तीन लाइन में ही हर एक करैक्टरिस्टिक को आपने डिफाइन करना है, ज़्यादा लंबा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. नोट्स में आपने शॉर्ट फॉर्म में ही बनाने हैं. सबसे पहले है व्हाट इज़ लिविंग. लिविंग उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक या विशेषताएं आपको दिखाई देंगी. अब सबसे पहली बात है कि ऐसी कौन से करैक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और नॉन लिविंग में नहीं होते हैं. लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू जज द इन्वायरमेंट और सेंस द इन्वायरमेंट, जो ब्रेन करता है. इसके अलावा रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रही हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द मेटाबॉलिज्म. सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना या अपने आप को एक वेल मेंटेन मैनर में रखना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, ये सारे करैक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं जो नॉन लिविंग में नहीं होते हैं. नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं करता, अपने चारों ओर इन्वायरमेंट को जज नहीं कर सकता, देन मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता. तो दीज आर द सम बेसिक करैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपने इनकी डिटेल लिख ली है, आपने अच्छे से इनको लर्न भी करना है, और साथ में अगर कोई डाउट है आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने मुझे सेंड करना है, या व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं. सो मैं इसका एक आउटलाइन दे रही हूँ आपको. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं.
प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनेट होती है और एनिमल्स की ग्रोथ डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मीनिंग है कुछ एक टाइम पीरियड के बाद एनिमल्स की ग्रोथ रुक जाती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ते। प्लांट्स की ग्रोथ, लेकिन जब तक प्लांट जिंदा रहता है, जब तक उसकी लाइफ रहती है, वो ग्रो करता ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट लंबा ही होता रहेगा या प्लांट की ब्रेथ ही बढ़ती रहेगी। प्लांट में पुराने पत्ते, पुरानी टहनियाँ गिरती रहती हैं और नए पत्ते और नई टहनियाँ आती रहती है, नए पुराने फ्रूट्स गिर जाते हैं, नए फ्रूट्स आ जाते हैं। तो वो है कि वो हमेशा ग्रो कर रहा है, उसमें नई चीज़ बन रही है। तो दैट इज़ नोन एज ए इनडेफिनेट ग्रोथ। इनडेफिनेट का मीनिंग होता है कि उसकी ग्रोथ कभी बंद नहीं होती, इनफाइनाइट है उसकी ग्रोथ। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। हर एक कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन। और उसी की वजह से इस लाइफ पर, इस अर्थ पर आज भी हमें लाइफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पुराने ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स नए ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं। कुछ रिएक्शंस में सिंपल सब्सटेंसेस टूट के, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट के सिंपल बन रहे हैं, और कुछ एक रिएक्शन में सिंपल सब्सटेंसेस से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। सो जब सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है तो वो हुआ एनाबॉलिज्म, और जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है और सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं तो वो हुआ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन विच अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी, एंड सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन विच अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में दोनों तरह की रिएक्शन चल रही हैं। जो हम खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, बॉडी में जाके टूट जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जा रहे हैं, प्रोटीन अलग, फैट अलग, तो वो हुआ कैटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में फिर ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोजन बनाया जा रहा है, देन ग्लिसराइड्स और फैटी एसिड को मिला के फैट्स बनाए जा रहे हैं, अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं, तो वो एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो इस तरह से बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म चला हुआ है। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। सेल से टिशू, टिशू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक पूरी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तैयार होती है, जिसको कहा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की, वो है एक सिंगल सेल। देन नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग है कि हमें अपने चारों ओर जो हो रहा है उसका हमें पता होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंसेस हैं, और हमारी सेंसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में, तो इस ब्रेन की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है मेल तालमेल बिठा सकते हैं, कि जब मान लो हमें अगर अपना किसी चीज़ को पकड़ना है तो हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे, या फिर हमें पता है कि सामने से कोई चीज़ आ रही है तो हम अपने डेंजर वाली चीज़ है तो हम अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा साइड में हट जाएंगे। तो ये हमारे बॉडी की कोऑर्डिनेशन है और एनालिसिस है जो ब्रेन करता है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज ऑल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म करेक्टरिस्टिक। इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे हमारी बॉडी जो है उसमें लोकोमोशन करती है, लेकिन प्लांट्स की बॉडी सिर्फ मूवमेंट करती है। मूवमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को हिला पाते हैं। जैसे आप एक जगह बैठे हो और अपने हाथ को हिला रहे हो तो वो मूवमेंट है, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो लोकोमोशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मूवमेंट या लोकोमोशन भी करती है। कुछ और करेक्टरिस्टिक ये हैं कि जैसे कोई बाहर से कोई स्टिमुलस हमें मिलता है, बाहर से कोई चीज़ हमें अगर सिग्नल दे रही है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्ड भी करते हैं, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द ब्रेन। तो ये कुछ एक बेसिक करेक्टरिस्टिक थे। इसके अलावा कुछ और करेक्टरिस्टिक भी आप लिख सकते हैं, आसानी से आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। मैंने आपको मेन मेन बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मीनिंग है डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो हमारी अर्थ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, दैट फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी। दो वर्ड से मिलके बना हुआ ये बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, दैट इज नोन एज अ बायोडाइवर्सिटी। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं हमारे इस वर्ल्ड में, और उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोकल एरिया में अपने लोकल नाम से बुलाते हैं। जैसे स्पैरो को इंडिया में चिड़िया कहा जाता है, लेकिन फॉरेन में उसको स्पैरो कहा जाता है। तो जैसा रीज़न होता है वैसा ही उसका हम लोकल नाम दे देते हैं, लेकिन लोकल नेम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वेरी करते हैं। यहाँ पे आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ किसी एक चीज़ को अलग
नाम से बुलाया जाता है तो किसी दूसरी चीज़ को अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे आपके यहाँ गुलाब को गुलाब कहा जाता है हिंदी में, लेकिन बंगला में उसको गुलाब कहा जाता है। तो लोकल नेम जो हैं वो रीज़न के साथ वेरी कर जाते हैं, तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। मान लो आप बंगाल में जाके गुलाब बोलो तो वो गुलाब नहीं पहचानेंगे, आप फॉरन में जाके चिड़िया बोलो तो वो चिड़िया को नहीं पहचानेंगे, दे से ओनली स्पैरो। तो लोकल नेम की वजह से कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एक प्रिंसिपल्स और कुछ एक रूल्स बनाए कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे और उस नाम को कहा जाएगा उसका साइंटिफिक नेम। देर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका ये फ़ायदा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जो उसका साइंटिफिक नेम रखा जाएगा, साइंटिस्ट जो रखेंगे उन रूल्स के अकॉर्डिंग, वो पूरे वर्ल्ड में उसका साइंटिफिक नेम सेम रहेगा। आप उसका साइंटिफिक नेम इंडिया में बोलो या किसी फॉरेन की कंट्री में बोलो, उसका साइंटिफिक नेम वेरी नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। आप कहीं भी जाके मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे तो सारे लोग पहचान लेंगे कि आप मैंगो की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर साइंटिफिक नेम टू द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब उनका नाम रखना, नेमिंग करना। जैसे नाम रखा जाता है किसी का, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, लेकिन साइंटिफिक नेम, लोकल नेम नहीं। लोकल नेम कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। जो एक बार उसका नाम रख दिया वही पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा, और कई जब तक उसमें कोई मेजर चेंज ना हो तब तक वो वही चलता रहेगा। दैट प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ नोमेनक्लेचर। देन उसके बाद है, नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी हैव टू नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। नाम उसका तभी रखा जा सकता है जब आप पहले उस ऑर्गेनिज्म को पहचानते हो, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन जानते हो, उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हो। देन दैट प्रोसेस ऑफ नोइंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने को, ऑर्गेनिज्म की पहचान करने को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका नाम, कोई भी साइंटिस्ट का नाम रखने से पहले उसके करेक्टरिस्टिक पता लगाता है कि ये कैसा है, कि वो प्लांट है या एनिमल है। तो प्लांट है तो प्लांट की ग्रुप का नाम रखा जाएगा, एनिमल है तो एनिमल के ग्रुप का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का उनका नाम रखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स लगाए जाएंगे, प्लांट है तो प्लांट्स वाले रूल्स लगाए जाएंगे, एनिमल्स है तो एनिमल के नाम रखने वाले रूल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले उसकी पहचान होना ज़रूरी है। तो टू नो द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिफोर नेमिंग इट इज़ नोन एज इट्स आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैड एस्टैब्लिश्ड अ प्रोसीजर। अब आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, पहचान नाम रखना आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोसीजर बना दिए, या फिर बहुत सारे उन्होंने तरीके निकाल लिए, फिर उन तरीकों के साथ उन्होंने कुछ एक रूल्स बना दिए। अब जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो पूरे वर्ल्ड में उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक नेम प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक जैसा होता है। तो उन्होंने साइंटिफिक नेम रखने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया बनाए। वो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया किसने बनाए, ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो प्लांट्स के नाम रखेगा या प्लांट्स के नाम रखने के लिए, साइंटिफिक नेम रखने के लिए प्रिंसिपल या क्राइटेरिया या रूल्स बनाएगा, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, जो एनिमल्स के नाम रखने के लिए प्रिंसिपल्स या रूल्स बनाएगा। तो ICBN और ICZN की शॉर्ट फॉर्म भी पेपर में कई बार मनमा के पूछ लेते हैं। साइंटिफिक नेम जो हैं वो इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन या इन्हीं दो ICBN और ICZN ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही रखे जाएंगे। नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का जो एक बार रख दिया वही एक नाम जो है वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा, और एक ही नाम होगा। मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका ही है, कोई और दूसरा नाम नहीं रखा जाएगा। देन इसके अलावा दे आल्सो इंश्योर सच नेम हैज़ नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। जो भी साइंटिफिक नेम रखा जाएगा वो जिस ऑर्गेनिज्म को एक बार मिल गया वैसा सेम नाम जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नहीं रखा जाएगा। ये उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो एक बार नाम रख दिया वही नाम पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा, उसमें जो है वैसा दूसरा नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जा सकता। देन बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। सभी बायोलॉजिस्ट जो हैं, सभी जो साइंटिस्ट हैं जो बॉटनी या जियोलॉजी या बायोलॉजी के साथ डील करते हैं, वो सारे इन रूल्स को फॉलो करते हैं, और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनिज्म के नाम रखे जाते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म के नाम रखे जा चुके हैं उनके नाम ऑलरेडी जो बुक्स हैं या जर्नल्स हैं या जो मैगजीन हैं उनमें प्रिंटेड हैं, वहाँ से हम इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है
तो उसका नया नाम रखा जाता है अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखा जाएगा उसमें दो चीज़ें आएंगी, पहला नाम उसका होगा जेनरिक नेम और सेकेंड नाम होगा उसका स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथ। उसके नाम के दो पार्ट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम आर शर्मा, तो आर इज़ अ मेन नेम एंड शर्मा इज़ योर सरनेम। ऐसे ही किसी के भी साइंटिफिक नाम जब रखा जाएगा तो पहला जो उसका वर्ड्स होंगे या पहला जो उनका पार्ट होगा उसको जेनरिक कहेंगे और सेकंड वाले को स्पेसिफिक कहेंगे। दैट सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद टू कंपोनेंट, जिस हमेशा साइंटिफिक नेम जब रखा जाता है तो उस नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, और उस सिस्टम को जब किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है तो दो कंपोनेंट में रखना है, उस सिस्टम को बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाय मतलब टू, नॉमिनल मतलब नेम, कि उसके नाम के दो पार्ट्स होंगे, दैट इज़ नोन एज अ बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर। ये बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर हमें सबसे पहले कार्लस लिनियस ने इसके बारे में बताया था, उसने इसको यूज़ करना शुरू किया था। देन दैट इज़ नोन एज अ कार्लस लिनियस इज़ नोन एज अ फादर ऑफ बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर। अब इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट, जैसे मैंगो का एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगीफरा इंडिका, तो मैंगीफरा इसका जेनरिक नेम हुआ और इंडिका इसका स्पेसिफिक नेम हुआ। जेनरिक नेम को जीनस भी कह देते हैं और स्पेसिफिक नेम को स्पीसीज भी कह देते हैं। अब हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, किसी का भी नाम रखने के लिए जो प्रॉपर रूल्स बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नेम रखने के लिए जो भी बायोलॉजिकल नेम रखा जाएगा या साइंटिफिक नेम रखा जाएगा वो लेटिन लैंग्वेज में रखा जाएगा, और जब वो लिखा जाएगा तो इटालिक्स में प्रिंट होगा। जब आप हाथ से लिखेंगे तब तो आप इटालिक्स में नहीं लिख सकते, लेकिन जब प्रिंट होगा तो इटालिक्स में होगा, और जिस लैंग्वेज से वो लिया गया है वो लेटिन लैंग्वेज है। जैसे मैंगीफरा इंडिका, तो मैंगीफरा एंड इंडिका आर द वर्ड्स ऑफ लेटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ड जो लिखा जाएगा जीनस का, जैसे मैंगीफरा का एम लिखा गया है ये कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। उसके बाद स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा वो भी स्मॉल होगा और उसके आगे भी सारे लेटर स्मॉल होंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जीनस का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल, और स्पीसीज के सारे लेटर स्मॉल होंगे, लेकिन जीनस और स्पेसिफिक नेम में दोनों में गैप होगा, इकट्ठे नहीं लिखे जाएंगे। जब आप उनको लिखेंगे अपने हाथ से लिखेंगे तो जीनस के नाम, जो जीनस आपने लिखा उसको अलग से अंडरलाइन करना है और स्पीसीज के नाम को अलग से अंडरलाइन करना है। दोनों के जो अंडरलाइन करोगे तो दोनों को साथ में ज्वाइन नहीं करना है, उनकी लाइन को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है when you are writing these name with your hands। अगर ये प्रिंट हो रहे हैं तो ऑलरेडी ये इटालिक्स में प्रिंट होते हैं आपकी बुक्स में। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ ऑथर अपेयर, ये चार रूल्स हो गए इसके, नेम ऑफ ऑथर अपेयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथ। जैसे ही स्पीसीज का नाम खत्म होगा, जिस ऑथर ने इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है या डिस्कवरी की है उसका नाम लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे यह एग्जांपल दे रखा है मैंगीफरा इंडिका LINN डॉट, इसका मतलब है मैंगीफरा इंडिका का जो नाम लिखा है वो किसने रखा है, लिनियस ने, कार्लस लिनियस ने। तो उसका जो लास्ट नाम होता है, जैसे कार्लस लिनियस, लिनियस का जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं LINN, तो जिसने भी ऑथर ने इसके बारे में इसका नाम रखा है उसका नाम जो है स्पीसीज के बाद जोड़ा जाता है शॉर्ट में। द नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। सो दिस इज ऑल फॉर द बायनोमल नोमेनक्लेचर एंड नोमेनक्लेचर। आपने दो टर्म्स पढ़ी यहाँ पे, नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, और देन नेक्स्ट आपने बायनोमल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, कार्लस लिनियस इज द फादर ऑफ बायनोमल नोमेनक्लेचर। देन रूल्स के बारे में पढ़ा कि किसी के साइंटिफिक नेम रखने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि लोकल नेम्स और साइंटिफिक नेम के, लोकल नेम्स के क्या डिसएडवांटेज हैं और साइंटिफिक नेम के क्या एडवांटेज है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने ये लिखना है कि लोकल नेम के क्या डिसएडवांटेज हैं और जो साइंटिफिक नेम है उनके क्या एडवांटेज हैं, प्लस आपने जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके आपने नोट्स बनाने हैं। देन यू हैव इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। इसके अलावा कल हम क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपने इनके बारे में थोड़ा सा पहले से रीड करना है और जो आज पढ़ाया गया है उसकी रिविज़न करनी है। थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टेल मी, और जो आपका होमवर्क है वो आपने टाइम से कम्प्लीट करना है।